हेलो दोस्तों, मेरे एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो अभी अभी सो के उठी हूँ और टाइम अगर जानोगे तो 11 बज गया है। कोई कोई लोग 11 बजे घर पे खाना खाने आते हैं और इस समय मैं सो के उठ रही हूँ। पता नहीं, इस समय मुझे ना बहुत ज़्यादा नींद लगती है। मन करता सोते रहो। वहाँ पर भी जहाँ पर मेरे हस्बैंड ड्यूटी को है, जब वो चले जाते हैं सवेरे नहा धो के, तो उसके बाद मैं फिर से सो जाती हूँ। ये मेरा रूटीन हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। रात को भी मैं जल्दी सोती हूँ, ऐसा नहीं कि लेट होता है। हाँ, आज थोड़ा लेट हुआ लेकिन वहाँ तो जल्दी सो जाती हूँ, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और मम्मी ना गई है पापा के साथ हॉस्पिटल में, पापा का डायशिलेस चल रहा है। हाँ, डायशिलेस ही बोलते हैं ना जिसको ब्लड फिल्टर करते हैं, वो प्रोसीजर पापा की चल रही है इस समय, तो उनका तो वो हो रहा है। तो वहाँ पे ना पापा को अकेले नहीं छोड़ सकते, कुछ तकलीफ हुआ कुछ हुआ तो उनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए ना। तो मम्मी गई है तो लगभग वो 1-1.5 बजे तक आ जाएंगे। आई थिंक 5 घंटे का होता है डायशिलेस। 7 बजे पापा चले गए थे, हाँ तो 5 घंटे का होता है। और आज ना यहाँ पे जो मंदिर है, मायके वाले ब्लॉग देखे होंगे आप लोगों ने ना, तो वहाँ पे मतलब एक हनुमान जी का मंदिर है, तो उसी के साइड में शनि महाराज जी की स्थापना हुई है और वहाँ पे आज भंडारा है। कल वैसे कुछ था, कल स्थापना थी, उसके पहले जैसे घुमाया जाता है मिरवणूक जिसे कहते हैं, वो हुआ और आज भंडारा है। तो मैं कल आई और मुझे आज भंडारा मिल जाएगा, तो सबसे पहले मैं नहा धो लेती हूँ फटाक से, फिर आपसे मिलते हैं। मैं तो रेडी हो चुकी हूँ नहा धो के। मम्मी ने कुछ ना कुछ तो बना के गई होगी, तो मैं पहले कुछ खा लेती हूँ, मुझे भूख बहुत जल्दी लग जाती है, तो नीचे चलते। मम्मी खाना बना के गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। मम्मी को पता है मुझे भूख लग जाती है। इधर ये भी मेरे साथ खाने बैठा है और अभी हम लोग टीवी शुरू करेंगे और लगाएंगे कार्टून ही। मैंने आप लोगों से बोला ना कि शनि महाराज जी की स्थापना हो रही है तो हमारे कॉलोनी में, तो ये मंदिर है जहाँ पर स्थापना हो चुकी है। बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख के। भंडारा भी चालू है इधर, आप लोग देख सकते हो बहुत सारे लोग बैठे, उधर औरतें इधर आदमी लोग। वाली मेहंदी मैंने मेरे मौसी के हाथ पे निकाली है और आगे मुझे बहुत ज़्यादा बोर होने लगा, तो उन्होंने जैसा मन किया वैसे आगे निकाली। इधर ये धनिया बैठा है और इधर ऋषि बाबू। अभी तो शाम हो गई, मेरा सीरियल का टाइम है तो मैं सीरियल ही देख रही हूँ। दिन भर कुछ ऐसे भी था, आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, क्या पता क्यों, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो अभी चलो मिलेंगे आपसे रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में, तब तक मिलते बाद में। ओके, बाय बाय।